नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के पश्चिम विहार में, जहां पर ARK फाउंडेशन और एनी एडवर्टाइजिंग के द्वारा अवार्ड 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के बच्चे दिखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योर है, लेकिन उनको नीलिमा ठाकुर जो कि फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी है, उनके द्वारा प्लेटफॉर्म इस तरह से दिया गया है कि आज उन बच्चों ने भारत देश का नाम जरूर रोशन किया है। आपको इस न्यूज़ के माध्यम से जरूर दिखेगा, साथ ही साथ फैशन शो का कार्यक्रम आप लोगों को दिखेगा। कितना जो हाउसवाइफ महिलाएं होती हैं जो घर में रहती हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एनी एडवर्टाइजिंग और ARK फाउंडेशन आज देने जा रहा है कि आप लोगों के सामने वो रैम वॉक करेंगी, आप लोगों को फैशन शो दिखाई देगा, छोटे छोटे बच्चे डांस और कार्यक्रम करेंगे। देखिए, ARK फाउंडेशन ने हमेशा सदा देश और समाज के लिए काम करने वाले लोगों को प्रेरित किया है। हमेशा उन लोगों को आगे लेकर आइए, उन बच्चों को आगे लेकर आइए जिन्होंने अपने देश और समाज के लिए कुछ किया और जो समाज में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज ऐ वतन तेरे लिए के जरिए हम लोगों ने उन डॉक्टर्स के COVID-19 के दौरान काम करने वाले एक तरफ कुछ डॉक्टर्स को सम्मानित किया है, वहीं हिंद आइकॉनिक अवार्ड में हमने देश और समाज का नाम करने वाले बच्चों को आगे लेकर आए हैं। और इसमें हमने बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से अवार्ड किए हैं, जिनमें कि एक्टिंग के क्षेत्र से बच्चे हैं, समाज सेवा से हैं, दिव्यांग बच्चे हैं और अचीवर्स बच्चे हैं। फैशन शो का ट्रेंड बहुत टाइम बाद ARK फाउंडेशन लेकर आया है, बीच में बंद हो गया था। जी, एक्चुअली समाज सेवा और फैशन दोनों को मिक्स करना एक अलग सा बहुत कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन मैंने अपनी कंपनी आज यहाँ हम लॉन्च की है एनी एडवर्टाइजमेंट, और उसके जरिए हम लोगों ने समाज के एक तबके को जो कि वंचित वर्ग आप कह सकते हो यहाँ तक नहीं पहुँचता है, जो बच्चे नहीं पहुँच पाते, उनको एक ऐसी दुनिया जो वो चाहते हैं, मंच चाहते हैं, सपने देखते हैं, उसके जरिए अपनी कंपनी के जरिए वही फाउंडेशन का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं और एनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए उनके सपनों को आगे लेकर आ रहे हैं। मैसेज ये है कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को लोग बड़ा अलग तरीके से देखते हैं, जब से थोड़ा ये सुशांत की डेथ भी हुई तो उस चीज़ को और अलग तरीके से लेने लगे। ये सब एक्टर बच्चे ही हैं मेरे साथ में, हमारे साथ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ व्यवसायी भी हैं यहाँ पर, तो सबकी अपनी अपनी एक सोच है इंडस्ट्री को लेकर कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है। आप उसे नेपोटिज्म कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि बच्चों का जो शोषण होता है। तो हम अपनी ARK फाउंडेशन और एनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक ऐसी कास्टिंग काउच फ्री कंपनी बनाने जा रहे हैं, ऐसी संस्थाएं बनाने जा रहे हैं जहां इन बच्चों के बारे में कोई गलत चीजें सोच भी ना सके। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, प्रेसिडेंट GCL एजुकेशनल सोसाइटी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसपायर सॉल्यूशंस। आज जो इवेंट है ऐ वतन तेरे लिए, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम सबको ये प्राउड है कि ऐसी थीम सोचना भी, इसका इनिशिएटिव लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब लोग पेजेंट पेज 3 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर पेट्रोटिक फीलिंग्स को लेकर और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो थीम बेस्ड हो, जिससे कुछ लर्निंग हो, कुछ अच्छा आउटपुट मिल सके, ये बहुत अच्छी बात थी। आज यही थी जो पेजेंट में देखने को मिला, जब वॉक था वहाँ पे मॉडल्स ने, फैशन डिजाइनर्स ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया यूथ को। नमस्कार, मैं परवीन कुमार वर्मा, डायरेक्टर वर्मा पैथ लैब। जो ARK फाउंडेशन ने जो आज ये इवेंट किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत नीलिमा दीदी को शुभकामनाएं। और एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सोच समाज के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो सोच उसको बदलने की कोशिश की गई है कि उन बच्चों का भी जी करता है हम किसी रैंप पे आएँ, वॉक करें, अपनी ज़िंदगी को जानें। तो ये वो माध्यम था, स्टेज का वो माध्यम जिसमें उन बच्चों ने एक नई ज़िंदगी जीने का आयाम स्टार्ट किया। शुभकामनाएं देना चाहूँगा नीलिमा जी को और उनकी पूरी टीम को कि वो ऐसे नेक कार्य को कर रहे हैं। और मैसेज मेरा यही है कि महिलाओं का सम्मान करें, छोटी बच्चियों का सम्मान करें, क्योंकि आगे जाके महिला जो है वो जननी है, उसी से आगे समाज और सृष्टि का सृजन होता है। तो जितना भी हो सके, जिससे भी हो सके, गरीब बच्चों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए अपना सहयोग दें। और सबसे अधिक, सबसे ज़रूरी जो है, जो आजकल लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, वो नहीं होना चाहिए, महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और राष्ट्र के अंदर जो उनका योगदान है, जो भारत को बढ़ाने में महिलाओं का योगदान है, वो बहुत ही अतुलनीय है। पहली बात तो नमस्ते, आई होप आप लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस देखी होगी और परफॉर्मेंस पसंद आई होगी आपको मेरी परफॉर्मेंस अभी और है फिनाले की, वो जरूर देखिएगा।
और ये अवार्ड जो फंक्शन आज हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्लम के बच्चों को जो बाहर निकाला है बहुत अच्छी बात करी, उनको टैलेंट आगे दिया जा रहा है, ना जाने कल को कौन सा डांसिंग सुपरस्टार बन जाएं। और जो डॉक्टरों को जो सम्मानित किया गया है बहुत अच्छा काम किया है। मैं नीलिमा जी की टीम मेंबर हूँ, उन्हीं के यहाँ पे मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और एनएएसडब्ल्यू की लीड मॉडल भी हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये शो मेरा खुद का अपना है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो, मेरा नाम वानस सिंह है, मैं एक्ट्रेस मॉडल डांसर एक यंग सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं आज अनामिका मैम का थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज इतना अच्छा शो हम सबके बीच आके रखा और इतने अच्छे थीम्स को हम तक पहुँचाया। और मैं अनामिका मैम में एयर फाउंडेशन की से जुड़ी हुई हूँ और उनके चाइल्ड सेक्शन की हेड भी हूँ, तो थैंक यू अनामिका मैम एंड इट्स रियली अ सुपर्ब शो, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अनुरीता वधावन है और मैं कंसल्टेंट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई कैन फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ दिल्ली की। ये किंग्स कोर्ट में ये फंक्शन हो रहा है आए वतन तेरे लिए, इट इज़ डेडिकेटेड टू द डॉक्टर्स एंड हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन अप्रिसिएशन हमें इस मंच पर मिला है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स दिया है, जो डॉक्टर्स थे उनको एज अ वॉरियर जो काम कर रहे थे यहाँ पे, मैंने उनको अवार्ड दे के उनको सम्मानित किया है, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। जो इवेंट हो रहा है इट्स ऑल गुड, इट्स अ टोटली हाउस ऑफ क्रिएटिविटी जो प्रोग्राम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ऐ वतन तेरे लिए, इट्स द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसे इवेंट हमें जागरूक करने के लिए, देश को एक नए आयाम पे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, समय समय पर होते रहते हैं और इसका सारा पैसा चैरिटी में जा रहा है, देश के लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बच्चों की एजुकेशन के लिए जा रहा है। इट्स टोटली नाइस। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरविंदर मांगकर, एक राइटर और फिल्म डायरेक्टर। आज किंग्स कोर्ट पश्चिम विहार के अंदर ये शो ऐ वतन तेरे लिए का मैं शो डायरेक्टर भी हूँ। एक अच्छा कंसेप्ट जो हमारे देश को समर्पित है, एक ऐसा कंसेप्ट जो उन डॉक्टर को समर्पित है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी जान की परवाह न करते हुए एक बहुत ही खूबसूरती से, अपनी दिलेरी से, अपने जोश और जुनून से लोगों की सेवा की है, तो ये सब उनको समर्पित है। ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद एक ही है दोस्तों, कि आप अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो असली खुशी मिलती है। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे। मेरा नाम काजल कौशल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रोटेक्शन हाउस एंड आज सब फैशन हब्बी और आज वहाँ पे नीलिमा जी ने इनवाइट किया हुआ है हमें। ये किंग्स बैंक्वेट हॉल में एक फैशन शो अवार्ड फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये मंच है नए नए बच्चों के लिए, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ फैशन इंडस्ट्रीज के बच्चे हैं जो अपने आप को एक मुकाम पे लेकर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मंच है। और यहाँ पे जो अभिषेक वशिष्ठ है, जो मेरा छोटा भाई है, उसने अपना कॉन्सेप्ट उतारा था मीडिया करके, क्योंकि मीडिया का प्रोग्राम है, हम दिखाना चाहते थे कि मीडिया में क्या, मीडिया किस तरीके से चीज़ों को अच्छी और किस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा स्कैंडल में लेकर चली जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई मीडिया के कॉन्सेप्ट में। मैंने बस यही बताने की कोशिश की कि आज तक मीडिया किसी शो में आती थी तो लोगों के लिए आती थी, मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो अपनी टीम को लेके मीडिया के लिए आया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन विज, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा नीलिमा ठाकुर जी का और जो मीडिया का कार्यभार संभाला हुआ है मिस्टर राजेश चौहान जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे अच्छे तरीके से समझाया और आजकल के समय में जो देशभक्ति की भावना को जागृत करते हुए ऐ मेरे वतन का जो कंसर्ट लेकर आए हैं, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। अगेन मैं उनका दोनों का ही थैंक्स करना चाहूँगा ऐ वतन तेरे लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम दायना मयंगम है और मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ दिल्ली में आते हुए 20 साल हो गए और मैं मिसेस वर्ल्ड वाइड 2017 रह चुकी हूँ एंड देन मैं सोशल वर्क लोगों के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो क्राइम्स होती है उसके ऊपर मैं दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करती हूँ। हमने बहुत सारे कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारे आदमी को रेस्क्यू किया है जो मणिपुर से यहाँ पे लेके आए काम देगा करके और सेल कर दिया जगह अलग अलग जगह में ना, तो उसको हमने रेस्क्यू किया एंड देन जगह जगह चावल जो भी ज़रूरत है वो मेरे से हो सकता है वो किया। तो ऐसे ये AR के फाउंडेशन नीलिमा दीदी के साथ जुड़े हैं, तो आज दीदी का बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है
वैसे तो मैं हर बार जीतती हूँ, इस बार भी मेरी तरफ से यहाँ पे आज फैशन शो हो रहा है तो उसका मैं शो डायरेक्टर हूँ। सबको मैं ग्रूम कर रही हूँ, मेरी तरफ से जो होता है वो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे आगे भी मेरी तरफ से और मैं करती रहूँगी और नीलिमा दीदी को उसके लिए फ्यूचर के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ।